देवघर मधुपुर प्रखंड के बुढ़ई बाजार में ग्रामीणों को कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सुविधा मुहैया कराई गई थी। इस केंद्र का उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन केवल कुछ दिनों के खुलने के बाद ये आरक्षण बंद हो गया और आज भी बंद है, जिससे वहां के ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उद्घाटन के बाद यहाँ के लोग काफी खुश थे, लेकिन महज 6 माह के बाद ही यह केंद्र बंद हो गया, जिससे यहाँ के लोगों में निराशा देखी जा रही है। लोगों को आरक्षण टिकट के लिए अब मधुपुर, जसीडी, गिरिडीह आदि जगह का रुख करना पड़ता है, क्योंकि करीब 4 वर्षों से बंद पड़ा है रेल टिकट आरक्षण केंद्र। इस केंद्र के खुलने में बुढ़ई समेत आसपास के कई इलाके को आरक्षण टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाता था। ग्रामीण को गिरिडीह, देवघर और मधुपुर के रेलवे स्टेशन में आरक्षण टिकट के लिए जाना पड़ रहा है। यहाँ जाने से साथ ही लोग अपनी परेशानी से बचकर अतिरिक्त खर्च और समय दोनों की बचत कर लिया करते थे। इधर पिछले 4 सालों से रेल टिकट आरक्षण के बंद रहने के कारण लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि से आरक्षण टिकट केंद्र को पुनः खुलवाने की मांग की जा रही है। सबरंग समाचार के लिए धनबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। परेशानी तो बढ़ गया है, हम लोग का भी दिक्कत बढ़ गया। जैसे हम लोग टिकट लेने आए थे, मैंने आते थे आसान से मिल जाता था, बंद हो गया, परेशानी हो गया। और हम यहाँ नहीं, बाहर से भी लोग आते थे, मधुपुर से, धमनी से, बेगाबाद से, जगदीशपुर से। और मैंने मतलब 5 साल से बंद है, हम लोग का परेशानी बढ़ गया, फिर से चालू हो, हम लोग यही चाहते हैं। खुला था पहले, 5 साल से बंद है, वो दूर दूर से लोग यहाँ टिकट लेने के लाते थे, और अभी बहुत मुश्किल में हम लोग देवघर जाना पड़ता है, मधुपुर गिरिडीह जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। हम लोग चाहते हैं कि 5 साल से यहाँ बंद है, इसे खुल जाना चाहिए, लोगों को आसानी से टिकट मिल सके।